गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये अगस्त महीने का हमारा छठा डिस्कशन वीडियो है। हम आज अपने डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक, उससे जुड़े हुए स्टैटिक जानकारियां और अंतिम में कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक मौद्रिक नीति समीक्षा से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कोविड-19 के लॉकडाउन लगने के बाद तीसरी समीक्षा बैठक की गई थी। यदि हम बात करें इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का जिसे आपसे पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मौद्रिक नीति समीक्षा क्या होती है। फ्रेंड्स, भारत में 2016 के बाद से जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है, हर दो महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। मौद्रिक नीति समीक्षा कहने का मतलब होता है कि भारत में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, भारत में मुद्रास्फीति का क्या स्तर है, उसे कौन सी दिशा दी जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था तीव्रता से आगे बढ़ सके, भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हर दो महीने में एक बार मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल में ये की गई, इसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस कमेटी के द्वारा कहा गया है कि अब रेपो रेट 4% होगा। ये रेपो रेट तब तक 4% बना रहेगा जब तक भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पुनर्जीवित ना हो जाए या फिर महामारी का दौर कम ना हो जाए, तब तक रेपो रेट 4% बना रहेगा। 4% का रेपो रेट साल 2000 के बाद से सबसे कम है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में की गई बैठक के अंतर्गत कुछ अन्य डिसीजन भी लिए गए, जिसके अंतर्गत नबार्ड और एनबीएफसी को रेपो रेट दर पर, यानी कि 4% रेपो रेट दर पर 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त तरलता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बात को भी तय किया गया कि चेक के माध्यम से यदि 50,000 या फिर उससे अधिक का भुगतान किया जाता है तो उसको सुरक्षात्मक रूप से पूरी प्रक्रिया को की जाए, ताकि जो लोग भी चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं उनको, या फिर जो लोग भी चेक के माध्यम से ले रहे हैं पैसा, उनको किसी भी प्रकार के दिक्कत का सामना न करना पड़े। आरबीआई के द्वारा यह भी कहा गया है कि एक इनोवेशन हब का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिकता क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सभी बैंकों को 40% अपने कुल दिए गए लोन का 40% प्राथमिकता क्षेत्र में देने होते हैं, जिसमें कृषि या फिर ऊर्जा से संबंधित या फिर छात्रों को लोन से संबंधित कुल 8 ऐसे क्षेत्र हैं उनमें दिए जाते हैं। अब आरबीआई के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इन प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत स्टार्टअप को भी शामिल किया जाएगा, और जो बैंक 40% उधारी देते हैं उनमें से स्टार्टअप को भी लोन उपलब्ध कराएंगे, इस बात को भी कहा गया है। अगला, जो तनावग्रस्त एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड एमएसएमई जो है, उन लोगों को अब इस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा, उनको इस प्रकार से छूट दिए जाएंगे ताकि उन लोगों ने यदि लोन लिया है और उसे वर्तमान स्थिति में लौटाने में वो सक्षम नहीं है, तो वे अपने उस लोन को जो उन्होंने लिया था उसको पुनर्गठित कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। ये बैंक और एमएसएमई के अंतर्गत जिन लोगों ने लोन लिया है उनके बीच आपसी समन्वय के माध्यम से की जाएगी। आरबीआई के द्वारा तरलता के समर्थन को बढ़ाने के लिए और वित्तीय तनाव को कम करने के लिए कुछ डिजिटल भुगतान प्रणालियों को फिर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा भी कहा गया है, तो आप इसे ध्यान रखें। यदि हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति समिति का, तो फ्रेंड्स इसका गठन साल 2000 में किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि भारत में मुद्रास्फीति के स्तर को, भारत की अर्थव्यवस्था को आंकने, देखने और ये किस दिशा में जा रहा है उसको समझने के बाद उसे किस दिशा में भेजा जाए, कि कौन से ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था तीव्रता से आगे बढ़ सके, इसको तय करने के लिए गठित की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा और 3 सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं,
इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये आपके लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक पाकिस्तान के नए मानचित्र से संबंधित है। अभी पाकिस्तान ने अपना एक नया मानचित्र लॉन्च किया है, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, क्रीक, सरक्रीक क्षेत्र और जूनागढ़ क्षेत्र को पाकिस्तान का बताया गया है। यह काफी हास्यप्रद है। इस मैप को जारी करने के बाद वहां के विदेश मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि यह मानचित्र पाकिस्तान देशवासियों के आकांक्षा का प्रदर्शन करता है या फिर दर्शाता है, ऐसा कहा गया। एक तरफ डर भी रही है और मानचित्र भी जारी कर रही है। हमारे लिए इसके हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को अब आसानी से आप जान रहे हैं कहां पर है। ये हमारा प्यारा भारत और उसके सर में चमकता हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। सरक्रीक और जूनागढ़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये कहां पर है, आप इसे मैप के माध्यम से देखें। सरक्रीक की यदि हम बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत और गुजरात राज्य, रण ऑफ कच्छ, यहां पर ये जो क्षेत्र है उसे सरक्रीक कहा जाता है। ये दलदलीय क्षेत्र है। यहां पर जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये भारत के द्वारा उसे क्लेम किया जाता है। और इसके अंदर जो ये एक रंग, अलग रंग में आप जो देख रहे हैं, वो पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है। भारत के द्वारा क्या कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अंतर्गत यदि कोई जलीय निकाय है, इधर कोई देश है, तो उस जलीय निकाय को बिल्कुल बीच से अलग किया जाए। 50% एक देश रख ले और 50% दूसरा देश रख ले। और भारत इसी के अंतर्गत कहता है कि सर क्रीक का जो क्षेत्र है उसमें 50% जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का है और 50% क्षेत्र जो है वो भारत का है। लेकिन पाकिस्तान मानने वाले में से तो है नहीं, वो कहता है कि पूरा का पूरा सर क्रीक क्षेत्र हमारा है। इसलिए ये विवाद का कारण बना हुआ होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जो सर क्रीक का क्षेत्र है उसे भारत में पहले बाणगंगा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इसे सर क्रीक रखा गया है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला, जूनागढ़ क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये हमारे प्यारा भारत का हिस्सा, गुजरात, और गुजरात में ये जो क्षेत्र है वो जूनागढ़ का क्षेत्र है। ये इस तरह से विवादित होता है कि जिस समय भारत 1947 में आजाद होती है, उसके बाद यहां का जो शासक था उसका कहना था कि मैं पाकिस्तान के साथ में जाना चाहता हूं, लेकिन यहां के जो लोग थे वो चाहते थे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। जनमत संग्रह कराया जाता है और उसमें 99% जो लोग होते हैं वो भारत में रहने का समर्थन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा वर्तमान में भी इसका क्लेम किया जा रहा है। और जब 99% लोगों ने भारत में बने रहने की बात को स्वीकार की, उसके बाद में सरदार पटेल के द्वारा यहां पर सेना भेजी जाती है और अंततः ये भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा जो टॉपिक है वो मानहानि से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानहानि क्या है। मानहानि सिंपल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, सम्मान को नुकसान होता है किसी व्यक्ति के वक्तव्य से, तो उसे मानहानि कहा जाता है। यदि हम बात करें डेफिनेशन का, तो यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे भाषण देता है, कुछ ऐसे वक्तव्य देता है जिसकी वजह से किसी पर्सनल व्यक्ति का, किसी व्यवसाय का, किसी उत्पाद का, किसी समूह का, या तो सरकार का, किसी धर्म का, या फिर किसी देश का प्रतिष्ठा का हानि होता है, तो उसे मानहानि कहा जाता है। मानहानि के बारे में आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि मानहानि दो प्रकार की होती है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। इसे आपको याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति सिविल मानहानि करता है, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को, सम्मान को नुकसान पहुंचाता है, तो सिविल मानहानि, जो कि भारतीय आपराधिक संहिता 1999 धारा है, उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को कुछ वित्तीय दंड लगाए जा सकते हैं, कुछ पैसे देने के लिए कहा जा सकता है, उसके बाद उसे उस अपराध से छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन यदि क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है तो उस व्यक्ति को कारावास भी हो सकती है, 2 साल तक की कारावास हो सकती है। तो आपको इसके अंतर्गत डेफिनेशन तो याद रखना ही है, दूसरा ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
आपसे एक अन्य प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है, वो ये कि धारा 499 जो था वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे मानहानि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी इनके संबंध में, आप इन सारी जानकारियों को याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का ये चौथा नंबर होना चाहिए, यहां तीसरा गलती से लिखा गया है, फ्लोरोसिस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसिस जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ये एक प्रकार की बीमारी है जो फ्लोराइड युक्त गंदे पानी को पीने से होता है। यदि किसी पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.4 मिलीग्राम से ज्यादा है हर प्रति लीटर में, तो उसको पीने से लोगों में फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है। फ्लोरोसिस बीमारी होती है तो लोगों को क्या होता है, जो उनके हड्डी वाले हिस्से हैं, चाहे वो दांत है, कंकाल है, वो कमजोर हो जाते हैं, उनका रंग परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, वो सड़ने लगता है, तो ये बीमारी हो जाती है फ्लोरोसिस बीमारी के रूप में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। न्यूज में क्यों आया है, तो फ्रेंड्स भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी एक स्वायत्त निकाय है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसने एक ऐसे तकनीक को विकसित किया है जिसके अंतर्गत किसी भी पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा है उसको पता लगाया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और राजस्थान का जो इलाका है, वहां पर जो पेयजल है वहां पर फ्लोराइड पाए जाते हैं, विशेष रूप से जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यदि पता लगाया जा सकेगा कि पानी में कितना फ्लोराइड है तो फिर इस बीमारी को रोका जा सकता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए कार्य किए जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला जो टॉपिक है वो अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बेरूत जो लेबनान की राजधानी है वहां पर विस्फोट हुआ था, इसलिए ये न्यूज में है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम सबसे पहले देखते हैं। आपको याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3। NH4NO3 ये जो है वो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। ये एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन होता है, जल में घुलनशील होता है, याद रखेंगे जल में घुलनशील होता है, तो इसको आपको याद रखना है। यूज कहां किया जाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र और खनन इत्यादि के लिए कुछ छोटे छोटे विस्फोट करने की आवश्यकता होती है, तो उस विस्फोटों के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। जो किसान होते हैं वो उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो उर्वरकों में ये एक सामान्य रासायनिक घटक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अपने आप में कोई विस्फोटक नहीं है, लेकिन यदि ये बहुत बड़ी मात्रा में कहीं पर स्टोर करके रखी गई है और वो किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आती है, या फिर जहां पर इसको स्टोर करके रखा गया है वहां पर बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाती है, तब ये विस्फोट हो जाता है, अन्यथा इसके विस्फोट होने की संभावना कम होती है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध किया गया है, उसके अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट यदि ज्यादा ऑक्सीकारक स्थिति में उपलब्ध है, प्रेजेंट है, तो इसे भी विस्फोटक और खतरनाक पदार्थ के रूप में माना गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का जो अगला टॉपिक है वो माई गोव के बारे में है। माई गोव क्या है फ्रेंड्स, ये एक साइट है। अभी आप इंटरनेट में जाएं, गूगल में जाएं, वहां पर आप सर्च करें, आप इसमें आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। दूसरा, आप प्ले स्टोर में जाएं, इसे डाउनलोड करें, आपको एक ऐप इसका मिल जाएगा। ये है क्या फ्रेंड्स, साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनती है उसके बाद इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, भारत सरकार या फिर बहुत सारे ऐसे केंद्र राज्य सरकार हैं जिनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों की सही सही जानकारी लोगों तक, भारत के आम नागरिक तक पहुंच सके, उसके लिए इस साइट को या फिर इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से भारत सरकार जो भारत के नागरिक हैं उसके उन लोगों से सीधा सीधा समन्वय करती है। कैसा समन्वय, यदि कोई जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो इसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, यदि लोगों से कुछ सलाह मांगना है तब भी केंद्र सरकार इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेती है। जनमत संग्रह कराया जाना हो, लोगों को कोई जानकारी देनी हो,
कुछ भी करना हो, इसी साइट के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से समन्वय करने की कोशिश की जाती है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यह सिर्फ केंद्र सरकार का है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने तो अपना लॉन्च किया ही है, लेकिन इसी के अंतर्गत 12 भारत के ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस साइट का उपयोग किया है या फिर इसी प्रकार का प्लेटफॉर्म निर्मित किया है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि गोवा जो है वो 13वां ऐसा राज्य बन गया है जो इस साइट के प्रावधान के अंतर्गत अपना अलग से एक साइट लॉन्च किया है, जिसमें गोवा सरकार के जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी डिसीजन है, उनको सीधा सीधा इस प्लेटफॉर्म में डाला जाएगा, ताकि जैसे ही कुछ डिसीजन लिया जाता है उसको आम नागरिक देख पाएंगे। तो ये इससे संबंधित जानकारियां थी, आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला जो टॉपिक है वो दो व्यक्तियों से संबंधित है, मनोज सिन्हा और जी सी मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दो व्यक्ति न्यूज में है, आप याद रखेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू अब भारत के CAG यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला, जी सी मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के बाद पहले उपराज्यपाल थे। अब जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। मनोज सिन्हा जो है वो इससे पहले पूर्व रेल मंत्री थे, पूर्व राज्य रेल मंत्री थे, पीयूष गोयल रेल मंत्री थे और राज्य मंत्री जो थे रेल विभाग के अंतर्गत वो मनोज सिन्हा थे। अब इनको हटा करके उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू कश्मीर का, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का अगला जो है कुछ MCQ है, उसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला MCQ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239AA जोड़ा गया है जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विशेष दर्जा प्रदान करता है, जहां राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए एक विधानसभा के गठन का प्रावधान है। आपको कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं, 42वां, 40वां, 99वां और 69वां। तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट PCS में पूछा गया है, UPSC में भी पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है और एक विधानसभा का प्रावधान किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, यहां ऑप्शन ए लिखा गया, गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। यहां अगला हमारा जो MCQ है वो जेजेरो क्रेटर से संबंधित है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है यदि कहीं कोई ज्वालामुखी है, वहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रही है, कुछ समय के बाद ये ज्वालामुखी सुप्त पड़ जाएगी, उसके बाद ज्वालामुखी का जो ऊपरी हिस्सा है वो गड्ढा पड़ जाएगा, वहां वर्षा के बाद यदि पानी जमा हो जाता है या फिर बर्फ इत्यादि के बाद यहां पर कुछ जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, तो इसे क्रेटर कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि जेजेरो क्रेटर हाल फिलहाल में खबरों में था या किससे जुड़ा हुआ है। दिए गए ऑप्शन में मंगल मिशन 2020 का लैंडिंग स्थल, चीन का तियानवेन 1 लैंडिंग स्थल, लोनार झील स्थल और ऊपर में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जो अभी नासा के द्वारा मंगल मिशन भेजा गया है वो उसका जो रोवर है जहां पर उतरेगा उस स्थल का नाम है जेजेरो क्रेटर, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ये आप देख सकते हैं जेजेरो क्रेटर कहां पर उतरेगा, यह है मंगल ग्रह, जेजेरो क्रेटर जो है वो यहां पर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। यहां पर नासा के मंगल मिशन का रोवर उतरना है। हमारे डिस्कशन का तीसरा MCQ क्या कहता है, विजन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश भर में इसके प्रसार की नीतिगत परिस्थितियां यथाशीघ्र बन सके। दूसरा कहता है यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट क्षेत्र और जलमार्ग की पूरी क्षमता को अनलॉक करके भारत के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन में एक बदलाव लाना है।
तीसरा कहता है इसका उद्देश्य मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास और चेक पॉइंट के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारा की दक्षता में सुधार करना। और चौथा कहता है यह भारत को एशिया और अफ्रीका के अन्य आईओआर यानी कि इंडियन ओशियन रीजन लिटोरल के साथ रणनीतिक साझेदारी का एक विस्तार करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। देखिए मैं इसे एक एक करके समझाता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। विजन सागर जो था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में मॉरिशस जाते हैं, तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उन हिंद महासागर के क्षेत्र में जो ब्लू इकोनॉमी है वो सबके हित में होना चाहिए। जितने भी हिंद महासागर के साथ सीमा रखने वाले देश हैं वो हिंद महासागर का ऐसा उपयोग करें, हिंद महासागर का में अपनी ब्लू इकोनॉमी को ऐसे बूस्ट करें ताकि वो सबके समृद्धि का कारण बन सके। ब्लू इकोनॉमी कहने का मतलब है कि समुद्र के अंतर्गत, चाहे वो मछली पालन से संबंधित हो, मछली उद्योग से संबंधित हो, पर्यटन से संबंधित हो, या फिर इस क्षेत्र में सामरिक कुछ कार्य किए जाने हो, या फिर समुद्र का खनन किया जाना हो, संसाधनों को निकाला जाना हो, समुद्र में कोई भी कार्य किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसी को बूस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विजन सागर की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के जो सीमा लगने वाले हिंद महासागर के देश हैं उनको इस कार्यक्रम में हिस्सेदार बनाया गया था, साझेदारी की बात की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। आप ब्लू इकोनॉमी को क्या क्या आता है यहां पर देख सकते हैं। दूसरा, हिंद महासागर में सीमा लगने वाले देश भारत, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। भारत की ऐसी इच्छा है कि सागर नामक जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को माना जाए, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे का सहयोग करें, किसी दूसरे देश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश ना करें और अपने आप को इन संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर बनाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी, आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा एमसीक्यू एम आई क्रिस्ट से संबंधित है, हमने इसका डिस्कशन किया था अपने पिछले डिस्कशन में, यहां उसके संबंध में एमसीक्यू दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या कहता है इसके बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है, ये वन नंबर होना चाहिए। इसे अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है, हमने इसे डिस्कशन किया था। नीति आयोग के अंतर्गत जो अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था भारत में नवाचार की संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए, उसी के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। अगला क्या कहता है कि यह उष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने और उष्मायन उद्योग उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कहने का ये मतलब है कि अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से ये किया जाता है कि भारत में नवाचार यानी कि जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी नए नए चीजों को की खोज की जाती है उसको और तेज किया जाए और बेहतर किया जाए, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। इसी के अंतर्गत एक तो अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है जहां पर कुछ शोध किए जाते हैं, और दूसरा जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जानी है जिसके अंतर्गत यदि कोई स्टार्टअप कुछ चीजों की खोज करता है, जैसे कि मान के चलिए कि पानी को साफ करने वाला कोई तकनीक बना लेता है, उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए ताकि वो बाजार में कंपटीशन करने के लायक हो, तो वो कहां किया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन और अटल इनोवेशन मिशन, इन तीनों के द्वारा मिल करके एम आई क्रिस्ट की शुरुआत की गई है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट करिए। डिस्कशन का पीडीएफ क्या लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें और रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।